परंतु एक मनुष्य अगर जो रास्ता में ऐसे स्त्री संगम करे उसको उसी वक्त पुलिस अरेस्ट करेगा, उसको शासन होगा, कानून भी है। क्यों? ये मनुष्य है, वो पशु है, तो जितना कानून है ये सब मनुष्य के लिए है, जितना किताब है सब मनुष्य के लिए, एजुकेशन शिक्षण मनुष्य के लिए, पशु के लिए नहीं। इसलिए कामशन इंद्रिय काम जरूर हम लोग का है, ये 10 इंद्रिय है उसको तो कुछ देने ही पड़े। इसलिए शास्त्र का निर्देश है, शास्त्र का निर्देश ऐसा गवर्नमेंट जो शराब पिएगा उसके लिए एक शराब पर दुकान लाइसेंस देकर के खोल देता, और ये कानून है जो शराब तो उन जहां तहां नहीं पी सकते। ये दुकान में आओ और शराब पी, जब मांस खाने के इच्छा, इसलिए शास्त्र में कहते हैं मांस खाओ, तो मना करने से सुनेगा नहीं, तो राक्षस है, राक्षस को मना करने से क्या सुने, नहीं सुने। इसलिए शास्त्र का अधीन से देखो जी, हां मांस खाओ, किस तरह से खाओ ना, एक काली पूजा जब माता जी काली जी का पूजा करो और उसमें एक छाग को बलिदान दो, वो मांस तुम खाओ। रास्ता से ये दुकान से खरीद करके ये कसाई के जो मांस है उसको, मीठा मांस नहीं, ये शास्त्र का नहीं। और इसी प्रकार स्त्री संग करने की इच्छा है, लोके बबया आम ही समग्र सेवा नित्यास्त जंतु, जंतु मात्र का तीन चीज उसके भीतर में है, इसको कोई सिखाने के लिए यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं। क्या चीज ना? बबया, स्त्री संग करना, इसके लिए कोई सिखाने को नहीं पड़ता, वो सब कोई जानता है। स्त्री संग करना बबया आम ही सब, और मांस खाने की इच्छा, ये भी सबका विकार है। और मद्यादि सेवन, नेशावान करना, नित्यास्त जन, ये सबके भीतर में है, इसीलिए ये भौतिक जगत में आए हैं, ये जब भोग करने के लिए, ये कोई आश्चर्य बात नहीं है। बाकी इसको कंट्रोल करना ही मनुष्य का है। प्रवृत्ति रेशान भूताना निर्वित्ते तु महाफलम, प्रवृत्ति ये सब है, उसको जो निवृत्ति कर सकता है वो जीतता, उसका नाम है जितेंद्रिय। इसीलिए योग तपस्या ब्रह्मचर्य धर्म कर्म जो कुछ शास्त्र में बता है और कुछ नहीं है, मतलब है उसको किस तरह से ये सब काम से रोकना है और कुछ नहीं, और कुछ। इसलिए शास्त्र में कहता है जो कामसन इंद्रिय प्रीति, काम जरूर है। भगवान भी कहते हैं धर्म अवरुद्ध अविरुद्ध कामोस्मी, जो धर्मशास्त्र में बताया है उस प्रकार काम मैं। जैसा शास्त्र में कहते हैं पुत्रार्थे क्रियते भार्या, भार्या विवाह, कुत्ता स्त्री संग करते हैं और एक लंपट भी स्त्री संग करते हैं कि इतना ढाक ढोल बजाकर कि शादी विवाह को क्यों जरूरत है। जैसा वेस्टर्न कंट्री में वो लोग सब ढाक ढोल बजाकर शादी करने का परवाह नहीं करते, क्योंकि वो जाते हैं कि ये भी स्त्री संग है, वो भी स्त्री संग है, विवाह आदि करने का क्या जरूरत है। ताकि असल जो मतलब है शास्त्र का, जो विवाह उसका कारण यही है, वो एक स्त्री से संपर्क रखे। ऐसा कुत्ता भेड़ी कैसे, सुअर कैसे, जहां तहां जिसको मिल गया कोई परवाह नहीं, स्त्री संग करो, उससे रोकने की और कुछ नहीं। प्रवृत्ति, उसका प्रवृत्ति है, उसको एकदम बंद कर देने से वो तो मानेगा, इसलिए उसको
वो जैसा उदाहरण आपको दिया, जो एक शराब पीने वाला है वो तो शराब पिएगा, इसलिए गवर्नमेंट उसको एक दुकान खोल देता है उसके लिए जो शराब पीने वाला है, जो भाई इधर शराब पियो, इधर से शराब खरीदो। आज का गवर्नमेंट का बिजनेस हो गया, देखता है तो शराब तो पिएगा, तो मैं क्यों बिजनेस को छोड़ता है, ये पॉलिसी हो गया। अभी उचित नहीं है, गवर्नमेंट को और नहीं चाहिए जिसको उत्तेजित करना है। गवर्नमेंट करता भी है तो उन नियम से। इसी प्रकार हम लोग को जो काम भावना है, आहार निद्रा भय मंत्र, इसको नाम है काम, इसको नियमित कर, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभ जीवित जाओ। जो कामना है काम आहार निद्रा भय मंत्र, इसको सीमित करो, जितना चाहिए उतना ज्यादा। इंद्रिय चाहते आप खाने की इच्छा है, अभी खाने का, अभी घर से खा के निकला और देखा जो एक रेस्टोरेंट में अच्छा चॉप कटलेट बिक रहा है, चलो जी एक प्लेट खा ले। इस प्रकार नहीं, जो जीवा डिक्टेट कर दिया, आज्ञा दे दी, चलो जी थोड़ा सा चॉप कटलेट खा ले, अभी भोजन करके आया घर से, पेट भरी हुआ है, फिर खाएं। चॉप कार्टलेट खाने का क्या जरूरत है, चॉप कार्टलेट खाने से भी ज्यादा तंदुरुस्त होता है, नहीं वो स्वभाव हो गया। इसी प्रकार सिगरेट पीने से कोई ज्यादा लाभ होता है, अमेरिका में वो ये कानून है कि सिगरेट का पैकेट को ऊपर लिख देता है, ये बड़ा खतरनाक है, इसमें बड़ा दोष है, ये पीने से तुम्हारा बहुत हर्जा होगा, लिख देता है तभी पीता है। और सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट भी चलता है। इसी प्रकार आप वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देश में रास्ता से आप देखिएगा, केवल एडवर्टाइजमेंट, ये सिगरेट का, शराब का और औरत बस वही, और इधर स्त्री गंगा और नशा, यही सब चीज। इस हाथ से मना करते नहीं, जितना जरूरत है उतना ही ग्रहण करो। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभ जीवे तो जाओ, ये नहीं है कि भूखा मर जाओ, ये काम है उसको जबरदस्ती दबा करके कोई रोग को पैदा कर लो, ये बात नहीं, सीमित करके नियमित करके शास्त्र का अनुसार उसको भोग करो। असल तुम्हारा काम क्या है, असल काम है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये जो मनुष्य जीवन है ये केवल खाओ पियो मजा करो, मजा करके फिर कुत्ता भेड़ी बन जाओ, इतना मूर्ख हो गया मनुष्य समाज, जानता ही नहीं जो मैं किधर जा रहा हूं। शास्त्र में कहते हैं अदांत गोभी विशतांत मिश्रम पुनः पुनचर वितचर बना नते विदु सार्थ गति ही विष्णु। जानते ही नहीं, तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा दिस इज दे, तत्व जिज्ञासा। ये श्रीमद भागवत जो है ये ब्रह्मसूत्र का भाष्य है, ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र जो है वैसे बनाया, फिर वो सूत्र में है उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए ये श्रीमद भागवत कमेंटरी है, उसको भाष्य, भाष्य अंग ब्रह्मसूत्राणाम वेदार्थ परिवृतम, ब्रह्मसूत्र का भाष्य है। क्यों, ये भाष्य कमेंटरी लिख लिख करके आदमी को सब विपदगामी कर देते हैं, इसलिए खास करके श्रीमद ये जो वेदांत सूत्र है वैसे का आखिरी दान है, सब वेद का जो ज्ञान है उसमें सब एकत्रित करके अल्प भाषा में उसको प्रकाशित किया, फिर उसको अच्छी तरह से समझाया श्रीमद भाग। ये जो श्रीमद भाग वेदांत सूत्र में कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा, और इधर बताते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जो तत्व जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा एक ही शब्द, ब्रह्म ही तत्व वस्तु है, आगे जाके समझाएंगे।
वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं जद्ज्ञानमद्यं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यम्। तो कहने का मतलब है जो मनुष्य जीवन जो है ये सुअर कुकर के ऐसे केवल खा पियो मजा करो और स्त्री संग करको और कुछ दिन बाद मर जा कुत्ता बेड़ी के नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। जीव सतत्व जिज्ञासा ये जीवन का तत्व जिज्ञासा मैं कौन ये तत्व जिज्ञासा पहली होनी चाहिए। ये जिज्ञासा जब तक किसी का हृदय में उदित नहीं होता है वो पशु ही है। इसलिए इतना शास्त्र बनाया गया जो समझो तुम कौन तात्विक भाव से समझ तात्विक भाव से भगवान को समझो तात्विक भाव से अपने को समझो तात्विक भाव से भगवान से तुम्हारा संपर्क क्या है इसको समझो तुम्हारा जीवन का ध्येय क्या चीज है इसको समझो। इसका नाम है तत्व जिज्ञासा जीव सतत्व जिज्ञासा न अर्थ जस्टि कर्म भी। ये जो कर्मी लोग है कर्मी का अर्थ होता है कि ऐसे कुछ काम करो जिसमें हमारा इंद्रिय तत्पर अच्छी तरह से चले। जैसा आदमी साधारणतः रुपया चाहते हैं बहुत दिन भर खूब परिश्रम करते हैं क्यों रुपया चाहिए दीवा चाहते हया राजन कुटुंब भरा नहीं होगा। ये जो आजकल का मूर्ख समाज है सब भागवत में बताया गया आप सदामात्म तत्व तत्व जिज्ञासा उसको भी सभी जानता ही नहीं अपस्ता अंधे है अपस्ता मात्म तत्व गृहेशु गृह में दिना सुतोव्यादि निराजेंद्र निनान संति सहस्र। जैसे हम लोग बताते हैं कि केवल भगवान की कथा सुन ये हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है कृष्ण भावनामृत डॉक्टर राव को मैं ये अनुरोध करता हूं जो किताब कृष्ण भावनाम लिखे हैं उसको लिखिए कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावनामृत कृष्ण कॉन्शियस ये जो हम लोग का प्रोपेगेंडा है ये तत्व जिज्ञासा और कुछ तत्व जिज्ञासा जी भगवद गीता पढ़ो अच्छी तरह से समझो जैसे देता है कुछ अदल बदल ना करो अदल बदल किया तो बस खत्म। जैसे दवाई है किसी डॉक्टर साहब लिया डॉक्टर साहब उसमें लिख देता है डोज इतना बूंद अब पानी से मिला करके खाने का पहले पी ली वो आप अपने कुछ उसमें अदल बदल कर दिया इतना भूख क्यों इतना भूख करो अब पानी से क्यों और किसी से किसी का साथ पी लो इतना डूगा रह उसमें आपका काम ठीक नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार भगवद गीता पढ़िए बाकी भगवद गीता जैसे बता रहे हैं ऐसे पढ़िए अपना मतलब हासिल करने के लिए भगवद गीता नहीं पढ़िए उसमें वास्तविक तात्विक ज्ञान होगा। और ऐसा ना समझिए कि भगवान श्री कृष्ण वो हमारा लिए छोड़ गया है जहां हम उसमें कुछ अपना भाष्य करेंगे अपना मतलब कुछ निकालेंगे इसलिए छोड़ गया ये महामूर्खता है। जो कुछ कहने का है तो भगवान सभी तो कह दिया है तुम कौन है जो तुम्हारा ऊपर छोड़ दिया भगवद गीता समझने के लिए यही मूर्खता है। मूर्ख लोग यही सब करते वो समझता हम बहुत विद्वान है बहुत बड़े पॉलिटिशियन है राजनैतिक है और हम ये भगवद गीता सब कोई इनसे परिचित है और हमारा कुछ मतलब इसका भीतर घुसा ये बदमाशी चल रहा है और आदमी का सर्वनाश हो वो तब तक कुछ समझता ही नहीं किस लिए भगवद गीता है वो समझता ही नहीं और लिख रहा है भगवान भगवद गीता का ऊपर भाष्य लिख रहा है ये पॉलिटिशियन लिख गया वो पर सब नाश कर दिया नहीं ऐसी नहीं तत्व जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा शास्त्र में बताते हैं तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं
ये उसके बाद जाता तत्व जिज्ञासा कर लेते। और भगवत गीता में बताया कि कठोर गुण कुलेश्वर की वाणी है और भगवत गीता तद विद्धि परिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदक्षति तद ज्ञानम तत्वदर्शी न तो तत्व जिज्ञासा किसका पास जाने से होगा। आप कोई पान वाला का पास बीड़ी वाला का पास जाकर के जी हमको थोड़ा भगवत गीता तत्व समझा दो, वो सारा क्या समझा। इसलिए शास्त्र में कहते हैं जो तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेव अवगच्छेत। यदि आप तत्व वस्तु समझने चाहते हैं तो वास्तविक जो गुरु है उसके पास जाओ, उसके पास समझो। पान वाला के पास नहीं, बीड़ी वाला के पास नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। बीड़ी भुगता है भगवत गीता पढ़ता है, ये सब चल रहा है। बीड़ी भुगते भगवत गीता बोलते बोलते गला सूख गया, लाओ जी दो बीड़ी लाओ। ये सब जो प्रोफेशनल है इसको पास आगा 2000-4000 वर्ष आप सुनेंगे तो तत्व ज्ञान लाभ देगा। यदि वास्तविक तात्विक ज्ञान चाहते हैं तो जैसा भगवान बताते हैं तद विज्ञान तद विद्धि प्रणिपाते न। यदि आप तात्विक ज्ञान चाहते हैं तो पहले आपको आपको मैं क्या नाम प्रणिपात, इसलिए आपको प्रस्तुत होने पड़ेगा। प्रणिपात में का अर्थ होता प्रकृष्ट रूपे न निपा, बिल्कुल। जैसे भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसी प्रकार व्यक्ति को ढूंढिए जहां जाकर के अब संपूर्ण प्रणिपात कर सकते हैं। महाराज आपको चरण में अपने को हम बिका दिया, ऐसे व्यक्ति को सुनना ढूंढना चाहिए। किंतु प्रणिपात अगर आप समझते हैं जो ये स्वामी जी क्या जानते हैं गीता, हम इनसे बहुत ज्यादा जानता है, तो आप ठगाने के लिए कुछ प्रश्न कीजिए जो कितना जानते हैं, उसमें कुछ लाभ नहीं। आप स्वामी जी को नहीं चाहते हैं और किसी को चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जहां जाकर के आप खुशी से प्रणिपात कर सके। तद विद्धि प्रणिपाते न, फिर परिप्रश्न कीजिए। जिसके पास आपका प्रणिपात है नहीं, उनसे परिप्रश्न करके उनको भी समय नष्ट करना, आपका भी समय नष्ट करना, ऐसी काम है, उसमें कुछ लाभ है। तद विद्धि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया विवाह। कारण यह है ये जो विज्ञान है ये सेवन मुख में ये मानव होता है। जब तक हमको ये घमंड रहेगा कि हम तो मास्टर हैं, हम तो प्रभु हैं, जैसा महामूर्ख लोग कहते हैं हम भगवान हैं, हम गॉड हैं, तो ये सब कुछ भगवान को समझ नहीं पाए, क्योंकि इसको प्रणिपात है नहीं, सरेंडर है नहीं। और भगवान को समझने के लिए पहली बात है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं, प्रणिपात अपने को प्रकृष्ट रूपे न निपाओ। जो पहली समझना चाहिए जो हमारा ऐसे मूर्ख जगत में कोई है नहीं, दुनिया में हम घमंड से ऐसी ऐसी कर रहा था, आज से भगवान आपके चरण में हम अपने को बिका दिया, आप चाहे राखिए मारिए जो कुछ कीजिए। ये बुद्धि कब होती है? ये भी भगवान भगवत गीता ने बताया कि बहुनाम जन्मनाम अंतर, ये मूर्ख लोग अनेक जन्म जन्मांतर ये घमंड में रहेंगे हम भगवान हैं, हम भगवान। ये अनेक ऐसे जन्म चले ज्ञानवान। तो जब ज्ञानवान होगा वास्तविक कि मैं भगवान नहीं है, मैं भगवान का दास है, उसका नाम है ज्ञानवान। और जब तक वो अपने को समझता है जो मैं भगवान है, उसका ऐसे मूर्ख और दुनिया में कोई है। ये बात असल बात। तो इसलिए पहले आपने को प्रणिपात, ऐसे व्यक्ति भगवान के पास प्रणिपात होता है और भगवान के जो प्रतिनिधि
गुरु उसको अपनी पास हो सकता है, दूसरे के पास नहीं। तो भगवान की प्रतिनिधि होना कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कोई बिजनेस कैनवासर होता है, बिजनेस सिक्योर करने के कोई जाता है, तो उसको मालिक बोल देता है कि देखो जी ये चीज का इतना दाम है, तुम आदमी को समझाओ ये चीज ऐसी है ऐसी इसको मिल सकता है। तो प्रतिनिधि का काम क्या है, उसको बोले देखो जी ये हमारे पास चीज है और इसका दाम यह है, ऐसी चीज है ऐसी आपको मिल, उतना ही बोले ज्यादा नहीं। इसी प्रकार भगवान को प्रतिनिधि वही हो सकता है जो उतना ही बोलता है जो भगवान बोला है और ज्यादा नहीं, ज्यादा उसका भी नहीं, उतना ही बोलता है वो भगवान की प्रतिनिधि। भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक अनुसरणं, वो प्रतिनिधि को बोलना चाहिए देखो जी सब छोड़ करके भगवान का चरण में शरण लो, बस हो गया प्रतिनिधि, तो मुश्किल है क्या। भगवान बोलता है मनमना भव मन भक्त मद जाज मांग नमस्कुरु, बस प्रतिनिधि वही बोले कि देखो जी सब समय भगवान का चिंतन करो, भगवान का भक्त हो जाओ, भगवान की पूजा करो और भगवान को नमस्कार करो, तो मुश्किल है। अपने भी वही काम करे और दूसरे को ही सिखाए, तो भगवान की प्रतिनिधि। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैया सत्य मना प्रार्थना योगम जुंजन मद आश्रय, मद आश्रय आश्रय, तो आश्रय मद आश्रय भगवान को आश्रय लो। ये तो जो व्यक्ति भगवान को आश्रय लिया है उसका आश्रय लो। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजयोगी दू, किसका नाम है प्रतिनिधि, और उस पुरुष के पास जाकर के तत्व जिज्ञासा करो, ठीक ठीक खबर मिल जाएगा, ठीक ठीक ज्ञान मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ जस्ति कर्म की, दिन भर खाली परिश्रम करना, परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमको सीखना चाहिए। जो मनुष्य तो जीव है, पशु पक्षी है, वो क्या परिश्रम करते हैं, वो जानते हैं सवेरे उठ करके किस किस कर करके कहीं वृक्ष में चला गया, उनको फ्रूट मौजूद है और थोड़ा खा लिया तो उसका आहार हो गया, निद्रा के लिए बंदोबस्त है, कोई वृक्ष में बैठ गया उसके कोई है बैठने का जगह वहां सो जाते हैं, और स्त्री संग करने के लिए भी उनका बंदोबस्त है, और जन्म का साथ ही साथ वो एक स्त्री उसको मिलता है, और भय वो भी भय करता है, हम लोग भी भय करते हैं, वो अपने भाई को बचाने के लिए वो जमीन में नहीं बैठता है, ऊंचा में बैठ जाता है, हम लोग भी जहां बुद्धि है एटम बम बना देते हैं। पर इसमें फर्क क्या हुआ, चार ही काम तो हुआ, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत्फुसुरी, इससे ज्यादा उस्तादी क्या क्या है। आपने जो बड़ा उस्ताद बन गया है, जब बड़ा साइंटिफिक इंप्रूवमेंट किया, क्या साइंटिफिक इंप्रूवमेंट किया, मरने का हादसा बच सकते हैं, जो असल जो बात है जन्म में तुझरा व्याधि दुख दो सानुदर्शन, ये दुख जो है असल दुख जो है उसके लिए आप क्या साइंटिफिक उन्नति किया है। अब ऐसे कुछ साइंटिफिक मेथड बनाया जो और आदमी को ही मरेगा नहीं, आप ऐसे साइंटिफिक इंप्रूवमेंट किया है एटम बम, जो आदमी आस्ते आस्ते मरता था, आप एक एटम बम छोड़ दीजिए एक सेकंड में हजारों लाखों आदमी मर जाए, ये आपको साइंटिफिक इंप्रूवमेंट। तो इसलिए तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए जीवन में, वास्तविक हम लोग क्या उन्नति कर रहे हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है, कहां हमको जाना है। ये जो इतना भारी ब्रह्मांड है, रात में इतना सतारा हम लोग देखते हैं, क्या चीज है, इधर क्या होता है, ये सब तत्व जिज्ञासा, किधर से बनाया, कौन बनाया, किसका ब्रेन से ये बनाया, किसका ब्रेन से। ये लोग तो थियोरिटिकली कहते हैं जो पानी जो है वाटर, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसको मिला करके पानी हम लोग बनाए, तो इतना जो पैसिफिक ओशन एटलांटिक ओशन है
इतना वो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहां से मिला, कैसे मिलाया गया, इतना पानी किधर से, ये सब तत्व जिज्ञासा। और खाया पिया और बाजार में गया, क्या भाव है, ये सब पूछ लिया, जिज्ञासा कर लिया, तत्व जिज्ञासा, इसमें कुछ फायदा नहीं। ये तो सब कर्म है, कर्म से वो बद्ध हो जाता है। कर्म का अर्थ होता है काम करो, रुपया पैदा करो और खूब मजा। तो वो जैसा आपको समझा रहा था, तो मजा आपको जितना आपको डेस्टिनी में है उतना ही मजा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको जब शरीर मिला है सुअर का, वो गू खाने का ही मजा मिलेगा, और ज्यादा नहीं, हलवा खाने का नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं तस्यैव हेतो प्रजति तत्त्वो विदः न लभ्यते यद् भ्रमताम उपरजत। जो ये उस लिए आप प्रयत्न कीजिए जो कि सारा ब्रह्मांड में भ्रम करते हुए वही आपको मिला नहीं। ये कर्म द्वारा आपको छोटा बड़ा शरीर मिल सकता है, आप खराब काम कीजिए तो छोटा शरीर मिलेगा और अच्छा काम कीजिए तो बड़ा शरीर मिलेगा। ब्रह्मा का भी शरीर मिल सकता है, देवता का भी शरीर मिल सकता है, और कुत्ता का भी शरीर मिल सकता है, पेड़ का भी शरीर मिलता है, तो अपना कर्म भी। तो शास्त्र कहते हैं इसमें अपना फंसी, ये आपका जो कर्म का अनुसार जो आपको शरीर मिला है वो ये निश्चित हो गया कि इतना ही शोक और इतना दुख आपको मिले, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको इस विषय में परिश्रम करने से क्या फायदा। तस्मात तस्यैव हेता प्रजते तको विदा न लंभते जद भ्रमताम उपरजत उपरी अध ऊपर लोक है, ब्रह्मांड लोक तक है, जहां की एक दिन का आयु 12 घंटा जो भगवत गीता में बताते हैं सहस्र युग पर्यंतम अरहत ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जो लोग रहते हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं, उधर भी सब ब्रह्मा जी का साथ और सब रहते हैं, तो उनका परमायु है सहस्र युग पर्यंतम। ये जो हम लोग का युग है सत्य त्रेता दापर युग, 4 युग 43 लाख वर्ष, उसको 1000 गुण कीजिए, वो ब्रह्मा जी का 12 घंटा। तो इस ऐसी ब्रह्मांड लोक में भी जाइए तो उधर से भी घूमने पड़ेगा, आवरण भुवना लोकान पुनरावर्ति नवजीव, उधर भी जन्म मरण है, ब्रह्मा जी भी मरेगा। ऐसी बात नहीं है जब ब्रह्मा जी की इतनी आयु है तो मरेगा नहीं। ये हिरण्यकशिपु खूब तपस्या किया और ब्रह्मा जी उनके पास पहुंच गया तो क्यों जी इतना तपस्या क्यों, क्या चाहते ना महाराज हमको अमर बना दीजिए, अमर हम खुद ही अमर नहीं है, तुमको ऐसा अमर बना है, ये तो संभव नहीं। तुम तो आओ कुछ चाहते तो मांग लो, तो कहते देखिए जी हम जमीन में नहीं मरेंगे, अच्छा ठीक है, हम पानी में नहीं मरेंगे, अच्छा ठीक है, आकाश में नहीं मरेंगे, अच्छा ठीक है, हम कोई आदमी नहीं मार सकेगा, ये भी ठीक है, कोई देवता भी नहीं, ये भी ठीक है, कोई जानवर भी नहीं, ये भी ठीक है, कोई अस्त्र नहीं, कोई शास्त्र नहीं, वो अपनी बुद्धि से जितना हो सकता है वो सब मान लिया, ब्रह्मा जी का जैसे सब चीज उसको भी मानने पर। इतना विचार करके अपने को बचाने के लिए बंदोबस्त किया, जमीन में नहीं मरेंगे, दिन में नहीं मरेंगे, रात में नहीं मरेंगे, स्थल में नहीं मरेंगे, आकाश में नहीं मरेंगे, जितनी बुद्धि उनकी है, तो भगवान ऐसी बुद्धिमान है जब उसको मारा वो जमीन में नहीं अपना गोद, और वो शाम को संध्या का समय था, दिन भी नहीं रात में। तो वो जो मनुष्य जो बुद्धि अपने भगवान का तरफ लगाते हैं, जो भगवान को हम अंगली दिखाते हैं, तो भगवान की बुद्धि सब समय वो कुछ ऊंचाई रहता है, जितना ही करो तुम्हारा सब वो नाश कर दे, वो मरण तुमको मरना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान खुद कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्च अहम्। मृत्यु का भी भगवान को तुम नहीं चाहते हो तो भगवान आएगा एक दिन, वो तो तुम बचा नहीं सकोगे, वो मृत्यु रूप से आएंगे, उसमें तुम क्या करोगे, तुम्हारा साइंस क्या करेगा, तुम्हारी मिनिस्टरशिप क्या करेगा,
वो तुमको मरना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात नहीं कर सकता कल जी हमारे पास कमाए आप जाइए, हम तो मिनिस्टर हैं, हम बड़ा साइंटिस्ट है, बड़ा फिलोसोफर है, नहीं अभी तुमको मरने पड़ेगा। हाँ, और तुम्हारा जो कुछ है यहां सब खत्म, तुम्हारा विद्या बुद्धि मकान और बैंक बैलेंस अर्पिता ये स्त्री पुत्र सब ये सब खत्म हो गया। अब तुम जाकर के और एक शरीर धारण करो, फिर दूसरी चैप्टर शुरू करो, फिर मकान बनाओ, फिर शादी विवाह करो, फिर पुत्र उत्पादन करो। वो मनुष्य का शरीर भी हो सकता है और 84 लाख जोनी है वो तो हम लोग विचार करके तुमको शरीर दे, मनुष्य का शरीर भी हो सकता है और 84 लाख जोनी है वो तो हम लोग विचार करके तुमको शरीर दे। इसलिए शास्त्र में कहते हैं तो सही वही तो आप प्रगति को ये सब करके तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है। तात्कालिक ऐसे काम करो जो जन्म जन्मांतर में मिला नहीं, ऐसा काम करो। तो बोल रहे हम ये सब काम छोड़ देंगे, हमारा काम कैसे चलेगा, पेट कैसा चलेगा। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं तल्लभते दुख मदन्नत सुखम काले न सर्वत्र गभीर रंगसा। जैसे दुख कोई नहीं चाहते, कोई नहीं चाहते हैं जब हमारा हाथ सिर कर ऊपर दुख आ जाए, तो दुख तो आता ही है ये सबको मालूम है। इसी प्रकार जितना तुमको सुख मिलना है वो भी आ जाए, उसके लिए तुम कोशिश करो और न करो, तुमको जितना सुख दुख मिलना है उतना ही मिलेगा, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। इसलिए तुम भगवत भक्ति लाभ करने के लिए चेष्टा करो, जो जीवन को सफल करो, इसका नाम है तत्व विज्ञान, जीवस्य तत्व विज्ञान। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथ जस्सी कर्म, और नहीं तो ऐसे खाली परिश्रम जो करते हैं, और इसलिए परिश्रम जो कर्मी परिश्रम करते हैं उसको कहते हैं गधा, मूढ़ा, मूढ़ा कहते हैं। जैसे गधा का क्यों उपमा दिया है, क्योंकि गधा जो परिश्रम करते हैं दिन भर धोबी का पास, खूब कपड़ा लाता है और चल नहीं सकता है, बस घाट में जाता है, फिर घाट में उसको छोड़ दिया, थोड़ा सा घास दे दिया, बस वो घास खाता है, बुलाई खड़ा है और शाम को फिर कपड़ा लाद के ले जाए। तो इतना मूर्ख है जो देखो जी हमको थोड़ा तो घास ही देता है, ये घास तो कहीं भी मैं जाएगा तो मिल सकता है, ये धोबी का गधा भाई क्यों हो गया, ये उनकी बुद्धि नहीं है। इसी प्रकार कर्मी लोग जो है खूब परिश्रम करते हैं, रॉकफेलर है, ये है सब दिन भर, और हम देखा है ये अमेरिका में तो बहुत कर्मी है, बहुत ऑफिस चला रहे हैं और खा रहे हैं क्या, दो टोस्ट एक कप टी। तो इनको ये बुद्धि नहीं होती है कि हम तो इतना ही खा रहे हैं और इनके लिए क्यों इतना हम परिश्रम करते हैं। इसलिए कर्मी को गधा का नमान दुष्कृति न मूढ़ा प्रबंधनते नाराज, भगवान के चरण में यही सब लोग प्रवृत्ति नहीं करते। कौन, एक तो जो महापापी है, दुष्कृति, बुद्धि खूब है, कृति, कृति बताए, कृति का अर्थ होता है बुद्धि खूब प्रखर है, बाकी सब दुष्कार्य में लगाते हैं, उसका नाम दुष्कृति। केवल दुनिया को हानि करने के लिए एटम बम बनाने के लिए ब्रेन खूब अच्छी तरह से लगाता है, इसका नाम दुष्कृति। और मूढ़ा वो जिस दिन भर परिश्रम करते हैं दो रोटी के लिए, खाएंगे तो दो रोटी और तीन हाथ जगह में सोएंगे, चाहते हैं सब दुनिया हमारा पास हो जाए, जितना खाने का चीज है, जितना रहने का चीज है, सब हमारा पास हो जाए। इसका नाम है मूढ़ा। और नराधमा ये मनुष्य जीवन में मिला है तत्व जिज्ञासा के लिए, जीवन से तत्व जिज्ञासा, ये मनुष्य जीवन में है तात्विक, क्या चीज है दुनिया में उसको समझने, उसको छोड़ देता है और इसको पकड़, इसके लिए नराधमा। और यदि कहे कि ये लोग तो बड़ा विद्वान होते हैं, माया अपनी तब ज्ञान, उसको ज्ञान का कोई कीमत ही है नहीं, ये माया उसको जो ज्ञान है सब छीन लिया, असल चीज तो समझते हैं, असल जीवन का उद्देश्य क्या चीज है तो समझते नहीं, तत्व जिज्ञासा क्या चीज है उसको मानते ही नहीं। तो इसलिए माया अपनी तब ज्ञान क्यों ऐसी बात हुई है, आसुरी भाव मासुता एथिस्ट, नास्तिक है, नास्तिक, वो कहते हैं भगवान भगवान तुम नहीं है,
इसलिए इसका नाम है आत्मचिता हिरण्यकशिपु रावण। हाँ, रावण भी बहुत विद्वान था, ब्राह्मण भी थे, और वो अपना नगर तो सोना से बना लिया था, सब कुछ था। बाकी उसका एक दोस्त था कि वो कहते क्या राम है, हम उसको मानते हैं, ले उसका औरत को पकड़ लिया, भगवान को नहीं मान, इसलिए उसको कहते हैं राक्षस। हिरण्यकशिपु भी ऐसी बहुत बलवान, देवता लोग डर जाते, इतना बलवान इतना पावरफुल सब होते। प्रहलाद जी को जो भगवान वर देने को मांगा कि बेटा तू वर, तो प्रहलाद जी भगवान से यही बताया, महाराज आप क्यों हमको इसमें फंसा रहे हैं, हम तो एक ऐसे पिताजी से हमारा जन्म है जो केवल दुनिया को चाहते हैं, तो शरीर हमारा ऐसी है और आपका ऐसे वरदान देने के लिए कहते हैं, तो हम तो इसमें फंस जाए, क्योंकि हमको बल लेने का है क्या और इस बल में है क्या, हमारा पिताजी ऐसी बलवान थे जो बड़े बड़े देवता लोग कांपता था इनका बल से, इनको तो आप एक सेकंड में सब खत्म कर दिए, ये सब चीज हमको लेकर के क्या लाभ हो, आप ऐसी हमको बल दीजिए जो आपको जो दास है उनका चरण सेवा हम जन्म जन्मान कर, इसका नाम तत्व चिंता। तो है तो हम लोग को जो प्रचार जो विषय है कठिन है, बाकी असल चीज है जो भगवान होगा उसको समझ में आएगा, वो लेगा और अपना जीवन तो समझ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सज्जन बिंदा माताओं, हिंदी में बोलने में ज्यादा अभ्यास नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत बोलने का कोशिश कीजिए करें। ये आपका मंदिर में, हनुमान व्यायाम मंदिर में जब मैं आ रहा था, हमको बहुत आनंद हुआ कि हनुमान जी का नाम है, हनुमान जी बजरंग जी हम लोग का गुरु है, वैष्णव संप्रदाय। यद्यपि हनुमान जी मनुष्य समाज के भी नहीं थे, तथापि क्योंकि भगवान रामचंद्र का एकाग्र सेवक, इसलिए वैष्णव परंपरा से हनुमान जी भी गुरु मानी जाती है। तो हनुमान जी प्रसिद्ध क्यों हुआ, हनुमान जी प्रसिद्ध इसलिए हुआ जो उनका पास शरीर का बल था, वो शरीर बल से भगवान रामचंद्र की सेवा की। तो भगवत सेवा कृष्ण कॉन्शियसनेस ये एक तरह से नहीं है, हर तरह से भगवान भी आते हैं, जब भगवान रामचंद्र भी किया था और भगवान कृष्ण भी किया था, और जो भगवान का अवतार निशिंग बढ़ाव आदि दो काम, परित्राणा साधना बिना साहय से दुष्कृत, साथ साथ में चलता है। जैसा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट दुष्ट को दमन करता है और शिष्ट को पालन करता है, इसी प्रकार भगवान का भी यही नियम है, दुष्ट का दमन करना और शिष्ट का पालन करना। परित्राणाय साधूनाम बिना साहय से दुष्कृतम्, इसी प्रकार भगवान की सेवा करने के लिए
हनुमान जी का जरूरत है, अर्जुन का भी जरूरत है। कुछ दिन पहले एक सज्जन हम लोग को थोड़ा अट्रैक्ट किया जी, ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है केवल बैठ बैठ के कीर्तन करना और आदमी को बेकार बना दे, वैष्णव होने से सब आदमी सब बेकार हो जाए। तो मैं उसको यही जवाब दिया था कि आप वैष्णव देखा नहीं, भारतवर्ष में जो दो लड़ाई हुई है राम रावण और कुरुक्षेत्र, ये दोनों लड़ाई में जो वीर है हनुमान जी और अर्जुन, ये सब बेकार बैठने वाला नहीं है। अगर रावण है उसको दमन करने के लिए सब बल उसका उपहार प्रयोग किया जाए। तो वैष्णव भगवान के हुकुम से जैसे भगवान चाहते हैं बैठ बैठ के हरे कृष्ण मंत्र भी जप सकते हैं, और जरूरत होने से रावण का ऐसे जो दुर्दांत राक्षस है उसका साथ लड़ाई भी कर सकते हैं। ये वैष्णव का विचार, सर्वव्यापक खाली एक मुखी नहीं हर तरह से। तो ये जो आपको व्यायामशाला है इसमें शरीर का बल किस तरह से प्रयोग होता है जैसा आप लोग सिखाते हैं, साथ साथ ये भी सिखाइए जो बल किस तरह से प्रयोग करना चाहिए भगवान की सेवा, तभी सार्थक होगा। ये हमारा शास्त्र का नियम है, भागवत में बताते हैं, अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, वर्ण और आश्रम विभाजन जरूर होना चाहिए मनुष्य समाज में। ये न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका जरूरत है, जैसे शरीर के लिए मस्तक इसको भी जरूरत है, हाथ का भी जरूरत है, पैर का भी जरूरत है, पेट का भी जरूरत है। खाली पेट ही पेट रह गया, केवल मस्तक ही मस्तक रह गया तो काम नहीं चले, सब चीज का जरूरत है। समाज को ठीक ठीक दुरुस्त रखने के लिए चार चीज का जरूरत है, इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं चातुर्वर्णंग मया सृष्टम गुणकर्म विभाग। तो ये जो व्यायामशाला है ये व्यायामशाला क्षत्रिय लोग के लिए, तो जैसा एक श्रेणी को ब्राह्मण बनाना चाहिए इसी प्रकार और एक श्रेणी को क्षत्रिय भी बनाना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है और भगवान की भी इच्छा है। तो आप लोग ये जो छात्र धर्म व्यायामशाला शरीर को पुष्ट करना, जरूरत होने से दुश्मन से लड़ाई करना, क्षत्रिय का काम है युद्धे च पलायनम, क्षत्रिय जो है वो लड़ाई के सामने हो जाते हैं भाग नहीं जाते, उसका नाम क्षत्रिय। शरीर में बल है, तेज है, ओजस है, तभी तो ये हो सकेगा। ये भी सिखाना चाहिए, ये जरूरत है। परंतु चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र हो, इसमें कोई दोष नहीं है, सबको भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए कभी पर प्रश्न। अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ, ये भागवत की वचन है, सूत गोस्वामी बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित का सभा में नैमिषारण्य एक बहुत भारी सभा है, 1000 वर्ष तक चला था। तो वो सभा में सूत गोस्वामी ने ये सिद्धांत दिया कि ए ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, आप लोग सब बड़े बड़े ब्राह्मण इधर बैठे हुए हैं, कि शास्त्र का जो सिद्धांत है यही है क्या, अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग,
समाज में मनुष्य समाज में वर्णाश्रम जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो एनिमल सोसाइटी है, वो पशु का समाज है। तो पशु का समाज में कभी आदमी सुखी नहीं हो सके, मनुष्य का समाज होना चाहिए। तो मनुष्य का समाज में ये चार चीज जरूर होना चाहिए, चार नहीं आठ, वर्ण और आश्रम, चार वर्ण चार आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। बड़ा साइंटिफिक है, इसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं फिर ये पशु समाज हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करने से कोई बात में आगे नहीं बढ़ सकेगा, इसलिए सब शास्त्र में वर्णाश्रम का विचार बहुत जरूरत है। उसमें जरूरी है, ये सब बताया है कि वर्णाश्रम विभाग इधर भी बता, अतपं भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस का अर्थ होता है विभाजन, चार वर्ण चार आश्रम। और एक जगह विष्णु पुराण में यही वर्णाश्रम का विचार बताया है, भागवत में भी बताया है। तो वर्णाश्रम बहुत ही आवश्यक है, तो वर्णाश्रम विभाजन है, अपना अपना काम करो, ब्राह्मण का काम करो, क्षत्रिय का काम करो, वैश्य का काम करो, शूद्र का काम करो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ। ताकि उद्देश्य क्या है, अतः विदिज शिष्य वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म से, अपना अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कर्तव्य है उसको साधन करो। किस लिए? सानुष्ठित धर्म से संसिद्धि, संसिद्धि परफेक्शन, सिद्धि लाभ करने की, सब चीज का एक संसिद्धि होती है। वो संसिद्धि नहीं होता क्या, केवल परिश्रम हो, सिद्धि होनी चाहिए। कोई भी काम कीजिए, बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट होनी चाहिए। प्रॉफिट नहीं केवल गधा कैसे, परिश्रम करने से क्या फल हो। तो इसी प्रकार ये जो वर्णाश्रम विभाजन है इसको संसिद्धि क्या है, संसिद्धि है हरितोषणम, संसिद्धि हरितोषणम, अत पुंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग से सानुष्ठित धर्म से संसिद्धि हरितोषण। तो व्यायाम कीजिए, नियम से कीजिए, शरीर को बलवान बनाए, ये भी जरूरत है। बाकी वो बल जो है प्रयोग कीजिए भगवान की संतुष्टि लिए, और कुछ बात नहीं। हमारा शरीर में बहुत बल है, गुंडा बन गया, दूसरे को सताया, परेशान किया, ये बात जो कुछ कीजिए उसको संसिद्धि सिद्धि लाभ करने के लिए चाहिए, हरितोषण भगवान के लिए, हरितोषण भगवान को संतोष करना चाहिए। ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट जो है ये ना बहुमुखी है, सब चीज से भगवान की सेवा की जा सकती है। प्राण ही रथ ही दिया वाचा श्रेया जननन सदा, ये उद्देश्य है। प्राण से होए, धन से होए, बुद्धि से होए, वचन से होए, हर तरह से भगवान की सेवा। तो हम चाहते हैं जो हम लोग भी ये वर्णाश्रम स्कूल खोलने को चाहता हूं। यूरोप में स्कूल होता है, कॉलेज होता है, और ब्रांच डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज। इसी प्रकार ब्राह्मण का भी स्कूल कॉलेज होना चाहिए, किस तरह से ब्राह्मण होता है। इसी प्रकार क्षत्रिय का भी होना चाहिए, किस तरह से क्षत्रिय होता है। इसी प्रकार वैश्य का भी होना चाहिए, ये जात जन्म से नहीं होता, क्वालिटी गुण से होता है, गुणों कर्म विभाग, गुण होना चाहिए और काम ही होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर ही पास कर लिया और
डॉक्टर का काम नहीं किया, वो पान वाला का काम किया और कुछ काम, तो उसको डॉक्टर थोड़ा ही कोई कहेगा नहीं। डॉक्टर का गुण भी होना चाहिए और डॉक्टर के काम भी होना चाहिए। इसी प्रकार जैसे क्षत्रिय लोग शरीर को बल साधन करता है वो गुण है, और गुण का बाद क्षत्रिय का काम भी होना चाहिए, तब वो संपूर्ण होता है। और वो काम यदि भगवान की सेवा में लग गया तब वो संसिद्धि संसिद्धि हरितोषण श्री श्री कर्मणि निजुक्त संसिद्धि लभते नरा। तो संसिद्धि लाभ करने के लिए वर्णाश्रम विभाग विभाजन का अनुसार जिसको जिस तरह से प्रवृत्ति हो उसमें एक्सपर्ट बन करके बड़ा यानी सब काम करने में दुख होने दुख होकर करके और वो काम भगवान की सेवा में लगाया जाए तो उसका नाम है संसिद्धि। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है ये सिद्धि लाभ करने के लिए है, और जो पशु जीवन है खाओ पियो बच्चा पैदा करो और मर जाओ वो पशु जीवन है, और मनुष्य जीवन जो है वो सिद्धि लाभ करने के लिए। तो क्या सिद्धि है? सिद्धि संसिद्धि लभते नरा तम अभ्यर्च जिन सर्वमिदम तपम। वो जो भगवान है उनको संतोष करके संसिद्धि लाभ करना। तो हमारा यही अनुरोध है आप लोग व्यायामशाला को जैसा शरीर को बल साधन कीजिए, साथ साथ में भगवत कीर्तन भी कीजिए, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं हो, उसमें आपको भगवान का संपर्क बना रहे और भगवान का संपर्क बना रहने से ही सब काम की सिद्धि होती है। तो मैं चाहता हूं ये लड़कन लोग को जैसे आप लोग शरीर पुष्टि के लिए साधन सिखाते हैं साथ साथ में उसको हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कराइए, मार्च कीजिए तो उसमें भी हरे कृष्ण नाम जपाते हरे कृष्ण लेफ्ट राइट वो भी चाहिए। हरे कृष्ण राशो चेत दाफण चित्त सब समय वो साफ रहेगा, उसमें ये जो भौतिक गंदे चीज है वो नहीं आएगा, तो सब काम की सिद्धि उसी में होगी। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग शरीर साधन के साथ साथ ये हरे कृष्ण महामंत्र नाम को जपा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण Translation. Life's desires should never be aimed in gratifying the senses. One should desire to live only because human life enables one to acquire. You'll be able to translate myself. Yes. This should be the goal of all some lack of. Some lack of. Anyone who can translate. I will send. कामश न इंद्रिय प्रीति लाभ जीवित जावता जीवस तत्व जिज्ञासा न अर्थ जस इह कर्म भी। वी हैव बीन डिस्कसिंग मनुष्य जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष साधारण आदमी
यही चाहते हैं धर्म अनुष्ठान करके कुछ अर्थ को प्राप्त करना మనందరం కోరుతున్న ధర్మం ఏమిటి కోరుతున్నది అంటే మనమందరము కూడాను ఆ ధర్మాన్ని అనుష్ఠానంగా మనం అందరం కూడా ఆచరించవలసిందని చెప్పబడుతున్నది సాధారణ कोई मंदिर में जाते हैं जैसे ऐसे बालाजी के मंदिर में कुछ अर्थ कामना के लिए आते हैं मंदिर में वारू भक्तांदरू आ मंदिर में देंगे केवल परमात्म तत्वा भगवंत दर्शन चेसे अर्थ चाहिए क्योंकि जीवन निर्वाह करने के लिए सभी को कुछ अर्थ अवश्य चाहिए వెళ్ళినట్టయితే ప్రతి భక్తుడికి వారు వారి కోరికలు నెరవేర్తాయని భగవంతుడి యొక్క కరుణ కలుగుతుందని అందరూ కూడా భక్తాదులు దేవుని దర్శనానికి వెళ్తున్నారు పరంతు వో జో అర్థ హమ్కో మిల్తా హై ఉస్కే ద్వారా అప్నా కేవల్ ఇంద్రియ తర్పణ కర్నా నహీ హై వారు వెళ్తున్నారు ఎందుకు వెళ్తున్నారు అంటే వెళ్తున్నారు దర్శనం చేస్తున్నారు కానీ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుందామని వారికి సాధారణంగా ఇది చేరకుండా ఉన్నది వారి అభిప్రాయం కలగకుండా ఉన్నది ఇస్లియ శాస్త్రం మే బతా రహే హై శ్రీమద్ భాగవత్ మే భాగవతంలో శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇదే చెప్తుంది ఏమిటంటే ప్రతి వారికి ప్రతి భక్తాదుడికి కూడా ఆత్మతత్వాన్ని కూడా తెలుసుకోవాలి భగవంతుని దర్శనం చేసిన వల్ల ఆత్మజ్ఞానాన్ని కలుగుతుందని కూడా కలిగిస్తుందని కూడా చెప్పబడుతుంది ఇది కాదే కామస్య నో ఇంద్రియ ప్రీతి కామ కా అర్థ ఏ నహీ హై జో ఖూబ్ పైసా హమ్కో మిల్ గయా ఆర్ ఖూబ్ భోగ్ మే లగ్ గయా యే ఉచిత్ నహీ హై కామ ఏమంటే కేవలం ఇంద్రియ ప్రీతియే కాదు పరమాత్మ తత్వాన్ని కూడా తెలుసుకుందుకి అంతర్లక్ష్యమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందింది కూడాను వారికి ప్రతి జీవుడికి ప్రతి భక్తాదులు కూడా తెలుసుకోవాల్సి ఉన్నది కామస్యేంద్రియ ప్రీతి లాభ జీవేత జావ భగవాన్ కి కృపాసే జో కుచ్ అప్నా కా అప్నా సామర్థ్య అనుసార్ జో కుచ్ మిలే ఉసీ మే సంతోష్ రానా ప్రతి వారు కోరిక చేయవచ్చు ఆ కోరికలో వారికి ఏ కోరిక ఉంటుందో వారికి తృప్తి అన్నది ప్రతి జీవుడికి ఉండాలి ప్రతి భక్తుడికి కూడాను తృప్తి అన్నది కలిగి ఉన్నట్టయితేనే ఆ యొక్క ఫలితం చేకూరుతుందని చెప్తున్నారు వైదిక ధర్మానుసార బ్రాహ్మణ్ క్షత్రి వైశ్య శూద్ర చార్ విభాజన్ హై మన భారతదేశంలో నాలుగు వర్ణములు ఉన్నాయి ఒకటి బ్రాహ్మణ రెండోది క్షత్రియ మూడోది వైశ్య నాలుగోది శూద్ర ఈ నాలుగు వర్ణములు కూడాను భగవంతుణ్ణి పూజించిందికి అర్హత ఉన్నది బ్రాహ్మణ్ కామే పఠన్ పాఠన్ జజన్ జాజన్ దాన ప్రతిగ్రహ బ్రాహ్మణుల యొక్క వృత్తి ఏమిటంటే కేవలం భక్తి ఆ తర్వాత పఠన చెయ్యడము ధ్యానించడము జపము చెయ్యడము ఆ తర్వాత వాళ్ళు తెలుసుకుంది నలుగురికి ప్రబోధించడం పఠన పాఠన జజన జాన బ్రాహ్మణ్ పండిత్ బనే ఖూబ్ అచ్చి తరసే వేదాది శాస్త్ర ధ్యాన్ కర్కే దూసరే కో సమ్ఝా ఇస్కా నామ హై పఠన పాఠన్ దూసరే కో భీ పఢాయ సునా బ్రాహ్మణ్ యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే భగవంతుడి యొక్క మన ప్రాచీనుల తాలూకు సంస్కృతి చదివి దాన్ని తెలుసుకొని దాని అర్థము తెలుసుకొని ప్రతి భక్తాదుడికి ఆ యొక్క ధర్మాన్ని వ్యాపింపజేయడం అన్నది బ్రాహ్మణుల యొక్క లక్షణమై ఉన్నది క్షత్రియ జో హై ఉన్కే లియే కర్ అదా కర్కే ట్యాక్స్ అదా కర్కే జీవికా ఉపార్జన ప్రజాకో జో ఉత్పాదన్ హువా ఉస్మే సే ప్రతిశత 25 అంశ ఉస్కో గ్రహణ కర్కే క్షత్రియ అప్నా జీవన్ అతివాహిత కరే ఇన్ని ధర్మాన్ని కాపాడిందుకి ఆ యొక్క భగవంతుడి యొక్క ధర్మాన్ని కాపాడిందుకి క్షత్రియులు అన్నవారు ఈ ధర్మాలన్నీ కూడాను కాపాడిందుకే ఆ క్షత్రియ కులమంతా కూడా ఏర్పడి ఉన్నది ఇది కాదే కామస్య నా ఇంద్రియ ప్రీతి బ్రాహ్మణ్
और क्षत्रिय और वैश्य विशेष करके जो रुपया कमाए खूब आमदनी हो और उसको खूब भोग में लगा दे ये उचित नहीं है। ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు అని ఉన్నారు. వీరు ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని భగవత్ తత్వాన్ని వ్యాపింపజేసిందికే ఆ ధర్మాలని అన్ని కూడా వ్యాపింపజేసిందికి బ్రాహ్మణులే ఉన్నారు. వారిని అనుష్ఠానంలో పెట్టి వారి ధర్మాలని కాపాడేందుకు క్షత్రియులు, ఆ తర్వాతను వారికి అనుష్ఠానంలో ఎల్లప్పుడు కూడాను అన్ని విధాలా సహాయపడేందుకే వైశ్యులు ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ ధర్మాలన్నీ కూడాను అలాగా అనుకున్న ప్రకారంగా నడవలేదు. आजकल कलयुग में विशेष करके सभी लोग केवल किस तरह से रुपया खूब मिले और अपना इंद्रिय तत्व में उसको लगाया जाए ये चल रहा है. इप्पुडु धर्मालन्नी एलागे विच्छिन्नमै उन्नायंटे प्रति वारिकि अर्थ अंटे धनम धनम यंदे इच्छा प्राप्ति अयिंदि. प्रति वारु तप्पु ए विधंगा आर्जिद्दामु ఈ శరీరానికి ఏ విధంగా భోగాలు అన్నీ కూడా అభివృద్ధి చేద్దామో అని ప్రతి జీవుడు అందులో ఈ